नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पानी पूरी बनाने की रेसिपी। आज की जो पानी पूरी है वो हम सूजी से बनाएंगे। जो पूरियां बनाते हैं घर पे वो हम सूजी से बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 कप सूजी, और ये मैंने मोटी वाली सूजी ली है। तो 1 कप हम लेंगे सूजी, 1 बाउल में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच मैदा। यानी कि ये जो कप है वो मेरा बहुत ही छोटा कप है, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है। और अगर चम्मच से हम इसको मेज़र करेंगे तो वह 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा मिक्स कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम इसमें डालेंगे गरम गरम पानी। मैंने ये पानी को अच्छे से उबाल लिया था, तो अब इसको पानी को इसमें डालेंगे। गरम गरम पानी से आटा सानने से आटा बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स। तो इसको स्पून की हेल्प से इस तरह से हिलाएंगे, क्योंकि पानी गरम था इसलिए हम अपना हाथ नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो स्पून की हेल्प से इस तरह से आटा सान लें। ओके, तो ये देखिए आटा अच्छे से सन गया है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। ओके, अब 10 मिनट के बाद देखिए आटे में क्या लोच आया है। बहुत अच्छे से आटा सेट हो गया है और बहुत अच्छा लोच आया है इसमें। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा तेल डाल के चिकना कर लेना है आटे को। और इसके बाद हम इसके 2 हिस्से करेंगे और 1-1 हिस्से को अपने हाथ में इस तरह से मथेंगे। तो ये देखिए, ये आप दोनों आटे में डिफरेंस देख सकते हो। हाथ से मैश करने के बाद में आटा कितना स्मूथ हो गया है। तो अब हम इस तरह से इसको जो स्टेप मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे करना है आपको। इसको थोड़ा लंबा करके और इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, यानी कि छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेंगे बराबर बराबर में। तो ये मैंने मोटी वाली पूड़ी पहले मैं आपको बनाना बताती हूँ, जो थोड़ी सी हल्की सी मोटी आती है वो पूड़ी मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से एक लोई की इस तरह से लोई बनाएंगे और इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। तो ये देखिए पूड़ी को हमने अच्छे से बेल लिया है, और इसी तरह हम अपनी सारी पूरियां बेल के रख लेंगे पहले। तो ये देखिए मैंने सारी मोटी मोटी वाली पूरियों को बेल लिया है, क्योंकि ये मोटी वाली पूरियां हैं तो इनको पहले भी बेल के रख सकते हैं। तो इनको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने पूरी को रखी है उसी तरह से उठा के और हमें ऑयल में डालना है। मतलब इसको बिल्कुल भी पलटना नहीं है, जैसे हमने रखी है वैसे के वैसे उठा के तेल में डालनी है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें अपनी पूड़ियाँ डालेंगे इस तरह से जैसे मैंने रखी हुई थी वहाँ पे, वैसे का वैसे उठा के तेल में डाल दिया है। और 4 से 5 पूड़ी आप इसमें एक बार में डालें अगर आप सभी को अच्छे से फुलाना चाहते हो तो। और इस तरह से आप देख सकते हो सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इनको थोड़ा गोल्डन ब्राउन, लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो अब हम अपनी पूरियों को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन कलर में अच्छे से फ्राई हो गई है। और फ्रेंड्स, ये मैंने बाहर निकाले और जो दूसरा तरीका था वो भी मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल पतली पतली पूरी बनाने का। तो जो लोई हमने की थी उसे की 3 लोई कीजिए और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको छोटा छोटा बेल लीजिए। और इसे हमें क्या करना है, जैसे ही हम बेलते हैं वैसे ही इसको ऑयल में डालना है। तो ये देखिए पूरी कितने अच्छे से फूल रही है। ओके, तो ये हमारी छोटी वाली पूड़ियाँ भी बनके रेडी है।
अब इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना। और ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। सो गाइज योर पानी पूरी वॉज रेडी, तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। मिलेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।